we will be having a mass gathering at Kumulo in the final build up to the TTADC election. Hum log ka mass gathering hoga 31st. It will be after 2 o'clock, and we are inviting all the friends from the media to come and attend this program. Also through your medium, aapke medium ke through, we would like for you all to let the people of Tripura know that on the 31st, 2 o'clock, we are actually holding a mass gathering in Kumulo as the final build-up to the TTADC election. There are one or two other points jo main kehna chahta tha. First of all, there are some statements being made by people who have been accusing our party that we have an understanding with one political party or other political party. Everyone knows that my family personally has suffered at the hands of one particular political party for 70 years. In fact, the entire genesis of the communist movement in Tripura has been based against one particular family. For me to have any understanding with a party which has called my father or my grandfather or my family members' names or my mother for that matter is unthinkable. I would request people not to fall into this trap of fake news. On the other hand, another allegation hua hai ki we have an understanding with RSS. I do not need permission to be a good Hindu from any political party or organization. We have been who we are for hundreds of years, and my agenda is not at any way linked with the right or the left. I am the center. Tripura mein left right ke bajaye bhi ek aur ek option reh sakta hai, aur ye bahut ye log, it's highly rich of them to think that without CPM or BJP Tripura mein aur koi political party chalega nahi. हमारा एक अपना सोच है, हमारा एक अपना आइडियोलॉजी है. ना मैं उनके साथ हूँ जिसने मेरे परिवार को 70 साल से गाली बका है और उनका पूरा पॉलिटिक्स मेरे परिवार के विरुद्ध रहा. ना मैं इनके साथ हूँ जिसने अपना पॉलिटिक्स एक धर्म के आधार में किया. मेरा व्यू मेरे लोगों के साथ है और हमारा व्यू एकदम क्लियर है. और ये लोग जो एलिगेशन लगाते हैं, पहला बात है कि अगर आप अपने पार्टी में अपने लोगों को रोक नहीं सकते हो तिपरा मोहना से ज्वाइन करने के लिए, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि मैं इसके साथ हूँ या उसके साथ है. पहले अपने पार्टी में जो लोग आपका पार्टी छोड़ कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे पूछिए कि वो तिपरा मोहना क्यों जुड़ रहा है. कहाँ था CPM? एक आंदोलन CPM ने नहीं किया, पूरे इंडिया में CPM ने आंदोलन किया. त्रिपुरा में एक बार भी CPM ने CA के विरुद्ध में एक आंदोलन नहीं किया. CA का आंदोलन का फेस मैं था, CPM कहां था? एक आंदोलन किया त्रिपुरा में, लेकिन उनके नेशनल मैनिफेस्टो में है कि वो CA के विरुद्ध में है. त्रिपुरा में CPM का पोजिशन वही था जो सिलचर में है और जो अगरतला में है. बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, दुनिया का सबसे, दे क्लेम टू बी द बिगेस्ट नेशनल पार्टी इन द वर्ल्ड. हम तो एक छोटा सा पार्टी है, हम 23 सीट में लड़ रहे हैं. INPT हमारे साथ 5 सीट में लड़ रहा है. बीजेपी ने 16 सीट IPFT को दिया है, वो तो IPFT के सामने भी छोटा पार्टी बन चुका है. तो उनका प्रॉब्लम IPFT के संग है, मेरे ऊपर ना निकाले तो उनके लिए अच्छा होगा. पहले उन्हीं का MP ने कहा था
कि वो 28 के 28 सीट में लड़ेंगे। आज वो IPFT के संग जूनियर पार्टनर है, तो उनको हमारे बारे कोई एडवाइस देने का कोई दरकार नहीं। वो अपने लाइन में चल रहे हैं, मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो IPFT से बात करें। IPFT का स्पोक्स पर्सन होने का कोई दरकार नहीं। फाइनली 31 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है कुंभ में, मैं सबको निमंत्रण करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वाइट ऑल ऑफ यू, आप लोग आइए और देखिए हमारा प्रोग्राम 31 तारीख को कैसे होगा। दो तीन चीज़ और बात था, स्मॉल इश्यूज है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है पार्टी सिंबल TSP इफरा, मेरे संग TSP के प्रेसिडेंट और चित्तू बाबू बैठे हैं, हमारा कोई मिशन नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा अभी तक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है, तो एक रजिस्ट्रेशन में हमको इलेक्शन फाइट करना पड़ता है। ये टेक्निकल पॉइंट है। आज भी INPT QGS के टेक्निकल रजिस्ट्रेशन में इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये बात कहना कि क्या पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं, तो ये जो लोग कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन का एक उनका टैक्टिक है, क्योंकि वो लोग आज इलेक्शन अपने दम में तो जीत नहीं सकते, तो कन्फ्यूज करके 1-2% को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंबल का बात, हमारा सिंबल है अनारस, उनको प्रॉब्लम है कि चाइना का अनारस है या नागपुर का अनारस है, ये अनारस त्रिपुरा का अनारस है। ना हमको चाइना का अनारस चाहिए, ना हमको नागपुर का अनारस चाहिए। त्रिपुरा का अनारस इज द स्वीटेस्ट, क्वीन पाइनएप्पल फ्रॉम, तो वी डोंट नीड एनीबडीज अनारस, ये लोकल इंडिजिनस अनारस है। और आप लोग जो भी बोलना चाहें, ये शोभा नहीं देता कि पीपल इन हाई पोजिशन हल्का बात करें। मैंने आज तक कमल का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने आज तक CPM का सिकल का मजाक नहीं उड़ाया, आप भी हमारे सिंबल का मजाक मत उड़ाइए। अगर आपको मजाक उड़ाना ही है तो अपने अंदर में बहुत मजाकदार इंसान है अपने पार्टी में, उनके बारे में बात। और एक कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग TPF और TIPRA, मैंने पता कन्या से बात किया है, परसों भी बात किया, आज सवेरे भी बात किया बिफोर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने पता करने को कहा है कि अपने बैनर्स में मेरा पिक्चर ना लगाएं, क्योंकि TIPRA भी इलेक्शन फाइट कर रही है, पता करने भी फाइट कर रही है 5 सीट्स में, और उसमें मेरा पिक्चर नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं एक अलग पार्टी से। तो उन्होंने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो मुझे अपना आइकॉन जैसा देख कर उसने मेरा फोटो लगाया है, लेकिन ये क्योंकि वो मुझे आइकॉन समझती है TPA में आना चाहिए। मैंने कहा लेकिन इस 5 सीट में भी मेरा फोटो नहीं आना चाहिए, आप फाइट कीजिए अपने एरिया से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने 17 सीट में विड्रॉ किया है, मैं वेलकम करता हूँ, आप 5 सीट में फाइट कीजिए, लेट द पीपल डिसाइड कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पीपल के ऊपर छोड़िए, लेकिन मेरा फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए। उसने अच्छे तरीके से मान भी लिया है, एंड शी हैज अग्रीड नॉट टू पुट माय पिक्चर इन अ पैनल। हमारा सिंबल अनारस है, उनका सिंबल शायद डायमंड है, मेरा पार्टी TIPRA मोहा का सिंबल अनारस है, ये की बात हो गई। मैंने उनको ये भी कहा है कि आफ्टर द गवर्नमेंट जब आता है हमारा, तो हम उसको ठंचा के लाइन में मैं उसको निमंत्रण करना चाहता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो आए नॉमिनेशन के थ्रू, हम चेयरमैन का पोस्ट भी उनको दे सकते हैं, वो आए, उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आए, और बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप जब गवर्नमेंट में आएंगे, जब आप दायित्व लेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा मैनिफेस्टो में हमारा क्या पॉइंट्स है। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर, हमने कहा कि हमें ग्रेटर TIPRA लैंड चाहिए, ये तो और आइडियोलॉजी होता है। BJP ने 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं जीता, उन्होंने पुलवामा के लिए जीता, राम मंदिर के लिए जीता, ट्रिपल तलाक के लिए जीता और कश्मीर के लिए जीता, तो कोई कोर आइडियोलॉजी को हटाता नहीं है मैनिफेस्टो से। आज BJP मुझे नहीं कह सकते आप पानी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों नहीं पूछूं BJP को कि आपने पानी के बारे क्यों नहीं बात किया, राम मंदिर के बारे क्यों बात किया। कोर आइडियोलॉजी कोर आइडियोलॉजी, लेकिन उसको छोड़ के भी हमने कहा है कि
primary schools which come under TTEDC will be made compulsory English medium. We have said that drinking water problem has to be addressed and drinking water has to be there as per Prime Minister's Jal Jeevan Mission in every household. Electricity problem, हमने पोल तान दिया है, लाइन खींच दिया है, लेकिन हमने डिलीवरी सिस्टम नहीं किया. उसमें हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम में ही हमने कहा कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. पट्टा और पक्का, हर इंडिजिनियस हाउसेस को पट्टा भी मिलना चाहिए और पक्का मकान भी होना चाहिए. उसके लिए अगर हम लोन भी लेंगे तो हम लेंगे, लेकिन हम ये वादा पूरा करना चाहते हैं. उसके बाद रोड कनेक्टिविटी, अगर आप रोड कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमी और कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जाकर TTEDC में रोड्स देखिए. हमारा एक प्रपोजल है कि रेगा, मनरेगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके मनरेगा और TTEDC को लिंक अप करके हम रोड कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से PMGSY से इस्तेमाल करें. और एक पॉइंट है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल बोल रहे हैं, इज रिगार्डिंग द इंटायर एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड यंग पीपल. आज के दिन हमने स्कीम्स स्टार्ट किया है, पैसा नहीं था. हमने अनाउंसमेंट्स किए हैं लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है. आप जब तक उसमें पैसा नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. इसके लिए अगर हम पावर में आए तो हम डे वन में एक वाइट पेपर रिलीज करेंगे. इस वाइट पेपर में क्लियरली अनाउंस होगा कि क्या पैसा आता है और क्या पैसा किसके पास कहाँ जाता है. जब तक पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, पब्लिक को कन्फ्यूजन है. मैं चाहता हूँ कि ये सब एक वेबसाइट में क्लियरली पब्लिश हो, क्योंकि पब्लिक का अधिकार बनता है कि जानने के लिए कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है और कितने समय में क्या पैसा आ रहा है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ करप्ट रिजीम. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. I want to do something for the people of my state. And God willing, I have got everything from my ancestors. But I want to do something for the people of my state. मैं negative campaign में नहीं जाना कि ये वो है, ये है. मैं किसी का नाम लेकर किसी के खिलाफ में बोलना भी नहीं चाहता. मैं अपने लाइन में जाना चाहता हूँ. और इलेक्शन 10 तारीख को ख़त्म हो जाए. मैं चाहता हूँ कि मैं जिष्णु काका के घर में जाकर एक कप चाय पी, जितेंद्र चौधरी से बैठकर अच्छे से बात करूँ, अपने ब्रिजेश विश्वास जी के संग बैठकर थोड़ा बात करूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी के संग भी बात करूँ. तो ये सिविल वॉर नहीं है. आप क्यों एक दूसरे को अटैक कर रहे हो? मैं भी त्रिपुरा का भला चाहता हूँ. मैं सोचता हूँ कि आप भी त्रिपुरा का भला चाहते हैं. तो इतना नेगेटिव कैंपेन करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम अपने लाइन में चलें. हमारा एक आइडियोलॉजी है. हम ना इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, हम अपने त्रिपुरा लोगों के साथ हैं. और आपको अगर इसमें आपत्ति है तो हमारा जो इशू है पब्लिकली उसमें आप विचार कीजिए. अगर आपको लगता है कि अच्छा 10 पॉइंट प्रद्युत ने उठाया है उसमें 5 पॉइंट जेन्यून है और 5 पॉइंट में हम सहमत नहीं हैं, तो उस 5 पॉइंट जिसमें आप सहमत हैं उसमें तो बात कीजिए. लेकिन किसी को अटैक करना, गुंडागर्दी करना, झगड़ा करना, इससे नुकसान किसको? नुकसान सबको हो रहा है. और ये नेगेटिव, ये राजनीति अच्छा राजनीति नहीं है. अगर त्रिपुरा को बदलना है हमको तो पहले हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा. मैं मीडिया के सामने सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ. जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मैं भी तू मैं में आग पड़ा. जब कोरोना हुआ एक साल हम सबको समय मिला अपने आप को रिफ्लेक्ट करने, और मैंने अपने गलती में भी मैंने रिफ्लेक्ट किया. और इसी के लिए मैंने इस इलेक्शन में सोच समझ के मैंने कहा है कि मैं क्यों किसी और के ऊपर अटैक करूँ. मैं अपना अच्छा पॉइंट सबको बोलूँ और पब्लिक डिसाइड करेगी किसी के खिलाफ मैं क्यों बोलूँ. इसके लिए मैंने अभी किसी को अटैक नहीं किया और आई डोंट हैव एनी इंटेंशन ऑफ अटैकिंग एनीवन. 31 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, आप देखिए. मैंने अपने सब त्रिपुरा मथुरा मेंबर्स को कहा है नॉट टू अटैक एनीवन एंड टू टेक अ पॉजिटिव माइंड. हम प्यार से, सम्मान से ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं. अगर किसी को गुंडागर्दी करके, डंडा मार के, ऑफिस जलाकर इलेक्शन जीतना है तो वो उनका होगा, लेकिन पब्लिक को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है.
और मैं फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 95% ऑफ त्रिपुरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट पॉलिटिशियंस डू एंड से. 95% ऑफ त्रिपुरा वांट्स डेवलपमेंट, वांट्स पीस, वांट्स सॉल्यूशन. 5% हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल क्लास, उनको ही ये सब में दिलचस्पी है. मैं उन्हीं को ये कहना चाहता हूँ कि त्रिपुरा देश बदल गया है, हम लोग कम पॉलिटिकल हो और मोर डेवलपमेंटल हो तो ज़्यादा अच्छा. थैंक यू. अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है ठीक है. यू हैव रेज्ड द इम्पॉर्टेंट इश्यू मींस दैट थिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, मनी हैज नॉट बीन यस सो फॉर डू यू थिंक. नो आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कैन आई इज दैट वट एवर द मनी जो भी पैसा आया है लेट इट बी प्रेजेंटेड टू द पब्लिक. अगर कोई कहता है कि 1000 या 100 करोड़ आया या 1 रुपया आया तो इसको वेबसाइट में डाल के दूध का दूध पानी का पानी करते हैं. तो अगर हम पावर में आए तो सबसे पहले क्या क्या रुपया कहाँ से आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, ये तो पब्लिक को दिखाना चाहिए हमको. तभी तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है. इसके लिए वेबसाइट में इसको पूरा आना चाहिए. मैं फुल ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ. और इतने साल से हम अपोजिशन में रहे हैं, हमने सवाल पूछा है, अगर हम पावर में आएंगे तो हमको तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. सो आई वॉन्ट फुल ट्रांसपेरेंसी. कितना रुपया कहाँ जा रहा है, कितना रुपया आ रहा है और कौन कहाँ में इस्तेमाल कर रहा है, सैलरीज में कितना जा रहा है, ये मंत्री कितने उठा रहे हैं, सिक्योरिटी में कितना रुपया जा रहा है. आजकल मैं देखता हूँ कि हर पॉलिटिशियन के पास 15 से 20 गाड़ी का कन्वॉय रहता है, 15-20 बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, ये सब मैं पब्लिक के डोमेन में नॉलेज में रखना चाहता हूँ. And I will talk to the Prime Minister about it, because direct funding is the only way ahead. And when I say direct funding, उसमें भी accountability हमको देना पड़ेगा ना. एक रुपया भी आए या 1 लाख भी आए या 100 करोड़ भी आए, 1000 करोड़ भी आए, accountability हमको देना पड़ेगा. Accountability हम आज तक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं. ये पैसा तो पब्लिक के लिए है, तो ये अकाउंटेबिलिटी वेबसाइट में आना चाहिए, सो दैट पब्लिक को भी मालूम पड़े कि इस महीना इतना रुपया है, हमने इतना खर्च किया, इतना बाकी है या इतना और मिलने का बाकी है.